दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा पार्क का टूर। तो फ्रेंड्स, मेरे घर के कुछ ही दूरी पर एक है बोटैनिकल गार्डन। तो यहाँ ज़्यादा तो हम आते नहीं हैं, अभी करीब मैं 1.5 साल पहले यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम, और ये सेकेंड टाइम है मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एलन कैसे पोज दे रही है। एक्चुअली ना, वो थोड़ा सा पानी के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन ये पानी जो था काफ़ी गंदा पानी था, और ना यहाँ पर स्मेल भी बहुत आ रही थी इस पानी की, तो मैंने बिल्कुल इसे साफ मना कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा पार्क है, यानी यहाँ ऐसे ज़्यादा झूले वगैरह तो ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। आप वॉकिंग कर सकते हैं यहाँ पर, रनिंग कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो एलन कह रही थी कि ये यहाँ से ऐसे उतरेगी और यहाँ से मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करो। तो यहाँ जो है सूरज इस टाइम, ये शाम का टाइम था तो उस साइड में था, तो थोड़ा सा काला सा नज़र आ रहा था, बराबर नहीं दिख रहा था, और जब ये इधर साइड आई तो थोड़ा ठीक लग रहा था। तो आप देख सकते हैं, तो सूरज की रोशनी बराबर से नहीं आ रही है, प्लांट्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक फैमिली भी बैठी है वहाँ पर, कुछ वो खाना खा रहे थे, करीब 5 बजे का टाइम था, लेकिन वो उस टाइम खाना खा रहे थे वहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं, शायद 4:30 या 5 o'clock ऐसे ही कुछ टाइम हुआ था, फिर भी धूप काफ़ी है। और देखिए बहुत ब्यूटीफुल पार्क है ये, पर ये पार्क ना उन्हीं को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जो पेड़ पौधे जिनको पसंद होते हैं, नेचर लवर जिसे कहा जाता है। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो प्लेग्राउंड है, तो बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ झूले वगैरह तो नहीं है, बस आसपास के कुछ लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। तो एलन को बिल्कुल वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो इसलिए वो थोड़ा सा उदास भी हो गई थी कि कुछ भी अच्छे झूले नहीं है खेलने के लिए। मैंने कहा कि चलो वॉकिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है, देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है। तो बिल्कुल प्योर एयर थी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी लगे हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे प्लांट्स और फ्लावर्स की वैरायटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ जो है सेकेंड टाइम ही आई हूँ, फर्स्ट टाइम तो मैं आई थी जैसे लॉकडाउन लगा था, और थोड़ा थोड़ा हल्का जब ओपन हो रहा था लॉकडाउन, तो उस टाइम हम लोग आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पर। और यहाँ पर ना इस साइड में है कैंटीन, तो हम कैंटीन के तरफ जा रहे थे, तो ये रूट जाता है कैंटीन के तरफ। तो लेकिन ना जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कैंटीन जो है लॉकडाउन से ना ओपन ही नहीं हुई है, तो वो बंद थी। तो देखिए यहाँ पर बंद है, तो बस हम लोग फिर वहाँ से रिटर्न हो गए थे। यहाँ पर हमने कुछ भी खाया पिया भी नहीं था, लेकिन एलन की इच्छा थी कुछ खाने की, तो लेकिन कैंटीन ही बंद था, तो क्या कर सकते। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा प्लेस है, यानी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं, नेचुरल एयर वगैरह आपको मिल जाएगी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा था, वो कैसे छुप रहा था अपनी दीदी को देख कर, वो देखिए उसके पेरेंट्स वहाँ पे खड़े हैं, उसकी दीदी भी खड़ी है। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स पे जो है हाथी का ड्राइंग किया गया है, देख सकते हैं कितना प्यारा ड्राइंग है। तो ये पाम का प्लांट है, बड़े बड़े पेड़ है ये, तो उस पर ये ड्राइंग की गई है, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आपको इसमें बराबर से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ना बहुत अच्छे लग रहे थे वो। और ये साइकिलें थी यहाँ पर, लेकिन ये सब सीट वगैरह उसके ना टूटे हुए थे, तो उसे भी बराबर इंजॉय नहीं कर पाई है।
लेकिन मुझे यहाँ पर घूमकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जो है नेचुरल एयर है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और नेचर लवर जो लोग हैं तो उनको तो ये जो पार्क है ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी जो हूँ एक नेचर लवर ही हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम मैंने नेचर ब्यूटी रियल ब्लॉग रखा है। तो बस फ्रेंड्स यही तक थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल नेचर ब्यूटी रियल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।